लेके आ रहा है, वो कह रहा है वहाँ कहीं खाली कर रहा था ना। अब आप तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अब क्या बोलूँ, अभी इसका रेडिएटर भी हमने खोल के भेज दिया है। रेट कहाँ पे दिया है, क्या है मेरे को बता दो, मेरा सामान कहाँ है, कस्टमर को देना है भैया। कहाँ से हम लोग पार्ट लेते हैं, हुंडई के शोरूम में मैं पेमेंट कर रहा हूँ। हाँ क्या हो गया, हाँ करवा दे रहे हैं ना, बैलेंसिंग अभी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं हुंडई के शोरूम में पेमेंट कर रहा हूँ। हुंडई हो या मारुति हो या टाटा हो, जेन्युइन पार्ट्स में एडवांस पेमेंट देनी पड़ती है और कोई मार्जिन वगैरह का खेल तो होता नहीं है। पर फिर भी कुछ कस्टमर्स इसमें भी डिस्काउंट मांगते हैं, लेकिन पॉसिबल होता नहीं है। फिर उस चीज़ के लिए नाराज़ होते हैं कि आप हमारी बात नहीं रख रहे हैं। लेकिन वर्कशॉप को ऑन करने में आप लोग भी जानते हैं, अगर ओरिजिनल पार्ट्स अगर हम सप्लाई ले रहे हैं किसी से, तो हमें ओरिजिनल रेट ही देना पड़ता है जो MRP होती है। अभी मैं इनको देखिए पेमेंट डाल रहा हूँ, पहले अमाउंट डालना होता है, इसके बाद वहाँ से मटेरियल डिस्पैच होता है, लेकिन ये चीज़ कस्टमर नहीं समझते। ये देखिए, पहले अमाउंट मैंने डाला, अब इसका स्क्रीनशॉट जाएगा और फिर वहाँ से सामान आएगा। अभी मैं ये इनको ट्रांसफ़र कर दिया, अब मटेरियल वहाँ से निकलेगा। तो चलिए देखते हैं अभी वर्कशॉप में क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है। अच्छा, तो इसमें कलर होने के बाद ये आपका स्क्रब कर रहे हैं उसको, फिर इसके बाद फेसियल करोगे, फिर इसके बाद इसको क्रीम पाउडर लगा के पील ऑफ करोगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। का जैसा आप देख रहे हो, ये है हुंडई की i10 ओल्ड। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये पूरी स्टेयरिंग जो है ना एकदम जाम चल रही है, मतलब ऐसे रुक रुक के ऐसे घूम रही है। अभी स्टेयरिंग का हमने सारा कुछ डायग्नोस किया, इसका EPS मॉड्यूल जो है हमने बाहर निकाला, इसे भी चेक किया। इसे चेक करने पे हमें समझ में आया कि ये मॉड्यूल तो सही है। फिर हमने इसका मोटर भी चेक किया, फिर मोटर को हमने चेक किया, और मोटर को चेक करने के बाद हमें ये मोटर जो है काफ़ी फंस रही है या स्मूथ नहीं चल रही है, और जैसे ये इसको हम करंट देते ना तो ये हाथ से पकड़ेंगे तो रुक जाएगी, मतलब ये मोटर की परेशानी। तो इसकी अब हम मोटर चेंज करने वाले हैं, मोटर चेंज करके आपको दिखाएंगे, इसका स्टेयरिंग एकदम स्मूथ हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा और क्या काम चल रहा है हमारे पास। अभी हमारे पास एक टाटा सफारी है जिसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, इसका जो हाई प्रेशर वॉल्व है वहाँ से डीजल की जो सप्लाई है उस जगह से जो है डीजल पूरा नीचे टपक रहा था। कस्टमर अप्रॉक्स 100 किलोमीटर गए और आए, तो फुल टैंक करा के गए थे कस्टमर, तो इनका टैंक ऑलमोस्ट 90% खाली हो गया था। तो इसे हमने पूरा सर्च किया क्या प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को फिर हमने डायग्नोस किया, और इसके बाद यहाँ पर हाई प्रेशर वॉल्व है जिसमें एक छोटा सा वॉल्व लगा होता है जो कि डीजल की सप्लाई को रिटर्न पाइप से, मतलब रिटर्न पाइप भी होता है उसमें, रिटर्न पाइप भी होता है, डीजल की सप्लाई इंजेक्टर को देता है। वो वॉल्व में हो सकता है, ये वीडियो में आपको दिखाऊंगा आगे, वो वॉल्व इसमें चेंज करना है। तो वो वॉल्व हमने अभी ऑर्डर किया है, कंपनी में भी अभी अवेलेबल नहीं है। देखते हैं कहीं अगर मान लो के बाद मार्केट में मिल जाए या कोई डीलर के पास मिल जाए तो हम इसे जल्दी डिलीवर्ड कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये छोटे छोटे पार्ट के कारण हमें काफ़ी वेट करना पड़ता है, हमारी लिफ्ट है या हमारी जगह है वो काफ़ी देर तक मतलब भरी रहती है, इसके कारण होता कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनके कारण, जैसे वो कहते हैं ना बहुत बड़ी मशीन है लेकिन एक सुई के कारण भी रुक जाती है, उसी तरह से हमारी कार होती है। इतनी बड़ी चीज़ें हैं, लाखों पार्ट लगे हुए हैं, लेकिन एक पार्ट के कारण वो पूरी कार बंद पड़ी है। तो चलिए अभी इसका हम पार्ट आ जाता है तो फिर दिखाते हैं। अभी हमारे पास ये है XL6, इसकी कंप्लीट हम सर्विस कर रहे हैं। इस सर्विस में हम चारों टायर भी खोलते हैं, इनके ब्रेक चेक करते हैं, इनकी ओवर ऑयलिंग करते हैं, इनके कूलेंट से हम कूलेंट चेक करते हैं, इनकी हीटिंग चेक करते हैं, हीट तो नहीं हो रही गाड़ी, ओवरऑल सारी चीज़ें हम चेक करते हैं जिससे कस्टमर कहीं पर जाए तो किसी भी प्रकार की कमी ना छूट जाए। तो अभी तो ये चल रहा है, देखते हैं आइए आगे और क्या है। इस कार में क्या चल रहा है? हाँ, वॉशिंग कंप्लीट है, वॉशिंग वैक्यूम के लिए आई थी कार। चलो बढ़िया है, ठीक है। बाकी वो जो ब्रीजा है उसमें फ्रंट का पूरा चेंज होना है, है ना, बोलेरो की नीचे की जो है DFE टैंक चेंज होना है, इग्निस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ईयोन का पार्ट खुलना है, सेंट्रो के पूरे पार्ट खुल गए हैं, इसमें डेंटिंग का काम है। ये मर्सरीज अभी आई क्या? अभी आई। अच्छा ठीक है, अच्छा
ठीक है समझ गया। मर्सरीज को बाहर ही लगवाते हैं, मर्सरीज बाहर ही लगवा लो। तो अभी तो मर्सरीज को हम बाहर लगवा रहे हैं, बाहर लगवा के हम इसका लाइट का काम कराएंगे क्योंकि अंदर ऑलमोस्ट फुल है, हमारी जो पार्किंग एरिया है वो सारा फुल है। तो ऐसे हम बाहर लगवाएंगे और बाहर काम करवाएंगे। अभी ये जो i10 ग्रैंड है इसका पीछे का एक बटन है जिसके कारण इनकी डिक्की जो है ओपन नहीं हो रही है, तो हमने ये बटन भी ऑर्डर किया है। बटन हमारे पास जैसे ही आ जाती है हम ये भी लगा देंगे। और इसका इंटीरियर क्लीनिंग का काम था तो कुछ कुछ तो हो गया इंटीरियर क्लीनिंग, कुछ कुछ बचा हुआ है। अभी लॉक है कार, अभी हमारे पास करंट में एक ये कार है जो कि मॉर्निंग में आई थी हमारे पास, इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी तो हमने इसे इंटीरियर क्लीनिंग के लिए सजेस्ट किया है। और इंटीरियर क्लीनिंग के लिए सजेस्ट करने के बाद कस्टमर ने एग्री किया कि आप इंटीरियर क्लीनिंग कर दीजिए। मतलब मैन इसका ये वर्क था कि कस्टमर कहीं खड़े हुए थे और इनकी कार में एक्सीडेंट टाइप से हो गया था, कोई ने आके इसमें ठोकर मार दी थी, तो ये भी टूट गया है, ये भी हिल गया है। तो कस्टमर का अभी कहना है कि ये बस अभी करा दीजिए, हेडलाइट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम अभी करा रहे हैं और इसे सेट कराएंगे। अभी ये कार हमें पता नहीं किस चीज़ के लिए आई है, तो मैं देखता हूँ इस कार में क्या होना है। और इस कार में भी इंटीरियर क्लीनिंग चल रही है। अभी आप जैसा कि देख रहे हो सारे प्रकार के त्यौहार सीजन फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो सभी लोग अपनी गाड़ी को साफ़ सफाई कराने में लगे हुए हैं। तो अभी मोस्टली जैसे भी आप देखेंगे कारों को तो सब साफ सफाई ज़्यादा चल रही है। तो अभी इंटीरियर क्लीनिंग यहाँ भी चल रही है, यहाँ भी वो कार भी इंटीरियर क्लीनिंग की है, पीछे भी कुछ कार इंटीरियर क्लीनिंग की लगी हुई है। आगे मैं आपको और दिखाता हूँ। दिन भर में काफ़ी लोड है हमारे पास आज, जो कि इंटीरियर क्लीनिंग का स्टॉप दी प्रॉब्ली लोग सोच रहे हैं कि ये कराएं, क्योंकि अभी ऐसा समय चल रहा है, लोग चाहते हैं या लोगों को ऐसा ऑप्शन नहीं था जो इंटीरियर क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से करे। अभी हमने इंटीरियर क्लीनिंग की सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है, एक एक पार्ट्स एक एक छोटे छोटे एरियाज को कवर करते हैं। कहाँ वो गाड़ी में दे दिया होगा, क्या किया होगा, बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ यार आप लोग की सर्विसेज से। कहाँ पे दिया है, क्या है, मेरे को बता दो, मेरा सामान कहाँ है, कस्टमर को देना है भैया मेरे को। वो जो गाड़ी जिसमें मेरा माल है ना, मेरे को उसका नंबर दे दो, मैं जाके ले लेता हूँ उससे सामान। अरबाज इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कूलेंट वाले पाइप में क्या प्रॉब्लम आ गई, नीचे से एक टकरा के शायद फट गया पाइप। अच्छा बहुत ज़्यादा, तो इसको क्या कर रहे हो, इसे लगा रहा हूँ अंदर, चेक कर रहा हूँ पाइप मिलता है नहीं मिलता इसका। लिफ्ट में लगा के चेक कर लो कहाँ से है पाइप, तो वैसे रिपेयर होगा नहीं, नहीं रिपेयर नहीं, वो रबर का पाइप ना, उसको देखते हैं, अगर मान लो कि वाला नहीं चेंज मिलता है तो कुछ मिलता जुलता कोई दूसरा लगा देंगे तो वो। हाँ पाइप कैसे रिपेयर होगा, वो तो रबर का पाइप रहता है, रबर नहीं, रहता। नहीं 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 रबर के रहते, वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, रबड़ में कहाँ वेल्डिंग होगी, लोहे का होता तो भी नहीं होता क्योंकि इनमें प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना कि ज्वाइंट फट जाता है कोई भी प्रकार। हाँ सफारी बाहर कर दो, ये कार को लिफ्ट में लगाओ, चेक करते हैं नीचे क्या हो रहा है। अभी हमारे पास एक ब्रीजा ये आई है, इसमें सामूरा जो है टूटा हुआ है, हेडलाइट भी टूटी हुई है, तो अभी हम सारा कुछ इसका बनाने वाले हैं। ये बम्पर देखते हैं, बम्पर ये रिपेयर कर देंगे और रिपेयर करने के बाद क्या हो सकता है वो देखेंगे। और ये ग्रिल तो चेंज ही करना पड़ेगा और सामने का हेडलैम्प भी चेंज करना पड़ेगा हमें। और फ्रंट ग्लास की हालत भी दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी है देखिए, इसे भी हम चेंज करेंगे आज, बहुत बढ़िया तरीके से टूट फूट हुई है इस कार में, तो इसको हम चेंज करेंगे और मैं भी आज ही डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे। कस्टमर का कहना है कि आज ही डिलीवरी दीजिए, तो पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि आज ही हम डिलीवरी देने। पीछे कुछ वॉशिंग वगैरह का काम चल रहा है, अभी वैगन आर बाहर निकलवा रहे हैं और इसके बाद इसको पॉलिश में लगाएंगे, कंप्लीट हो गया था कलर इसका। कार को उस बाहर कर रहे हो, ठीक है मर्सरीज लगा लो इसके बाद, ठीक है कट, ये भी ठीक है।